Hello friends, how are you? Fine. मैं कई सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ, बैंक में मैनेजर हूँ और मार्केट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे बोल भी देखा है, पैर भी देखा है। मैं असली सबको जानता नहीं था, 5-6 महीने पहले उसके मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि भाई यहाँ भी एक सेमिनार होने वाला है, बढ़िया सर है, इसलिए मैंने भी एनरोल किया और मैंने अटेंड किया सर का। तभी मुझे एक चीज जानने को मिली कि सर ने एक बात बताई कि भी कहीं भी कोई भी स्टॉक आपको लेना है तो उसकी वैल्यूएशन देखो, प्राइस पे मत जाओ। प्राइस पे जाओगे तो मतलब कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी फंडा था, बहुत क्लियर था। तभी उसने एक बात बताई कि भी एस्कॉर्ट और बजाज फाइनेंस दो इसी कंपनी थी कि रैकॉक उसने किया। मैंने उसका मतलब स्टडी किया, बहुत बेहतर है। आज भी आप देख सकते हो कि 6 महीने और आज उनका क्या प्राइस है। ऐसा तो बहुत सारी चीज है। उसने मैं उसका स्मार्ट गेम और स्मार्ट रिपोर्ट का मेंबरशिप पे हूँ। मैंने एक दो ओवर लिया, सबको पूछा कि भाई और करना है, उसने बोला कि नहीं ऐसे ऐसे वो नहीं कर रहे, मतलब आपको बिलीफ होगा तभी वो मतलब आपके साथ वर्क करेंगे। और मैंने मार्केट में देखा है कि भी जो एडवाइस होती है वो बहुत चीप होती है और ट्रस्ट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। कॉम्बिनेशन जो होता है सर का दोनों ही टॉप पिक पर है, फिर ट्रस्ट भी करने बहुत करें और एडवाइस तो उसकी फैंटास्टिक है। मैं बस जब से तो सेमिनार हुआ तब से ही मेंबर हूँ। मैंने देखा कि सर एसएल लगा दे पर मुझे कभी कभी हंसना आ जाता है कि कभी एसएल क्रिएट ही नहीं होता है। मार्केट चाहे कैसे भी हो, वेल फ्रेंड्स आप ज्वाइंट करो, बिंदास करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही मतलब मार्केट में तो बहुत सारे एडवाइजेबल होते हैं पर आज तक मैंने इस सर जैसा नहीं देखा है। गुड फील कर रहा हूँ। एथिकली पे वो चलते हैं, वो जब भी कोई चीज एथिकली बेसिस पे चलती हो ना तभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कंपनी का वो जो फंडा निकालते हैं उससे बेहतर तो कोई निकाल नहीं सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।